नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, हड़ताल कह सकते हैं इसको, दवा व्यवसायियों के द्वारा 22, 23 और 24। अब समझ सकते हैं कि अगर राज्य में दवाएं नहीं मिलेंगी तो स्थितियां क्या हो सकती हैं। इस वक्त हम पटना के गोविंद मित्रा रोड में हैं, जो दवा व्यवसायियों का हब माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो संगठन है उसके तहत यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। लोग धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। दरअसल ये मांगे जिस तरीके से बताई जा रही हैं, इन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी संख्या में यहाँ दवा व्यवसायी हैं, सारी दुकानें बंद हैं। 3 दिनों तक इस बंद के लिए आह्वान किया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि लोग हैं, और आप सीधे समझ सकते हैं कि 3 दिवसीय ये बंदी है। राज्य में थोक एवं खुदरा दवा दुकानों को फार्मेसिस्ट की उपलब्धता एवं तकनीकी गलती के नाम पर विभागीय उत्पीड़न और शोषण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि फार्मासिस्ट को लागू हो, जिससे दुकानदार भाई को कोई परेशानी ना आवे। इसी के चलते हम लोग आज बंदी का ऐलान किए हैं। 3 दिन तक बंदी चलेगी। करना है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दूसरे चीज़ों को भी लेकर। अगर हम लोग की मांग सरकार मान लेती है 3 दिन के अंदर, तब तो आगे यदि किया, अगर सरकार नहीं मानती है तो मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल कह लें या फिर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मंच पर चलते हैं और जरा इस तरीके से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मांगे और 3 दिवसीय जो ये हड़ताल है, किस तरीके से एक बड़ी यहाँ पर संख्या और पूरा गोविंद मित्रा रोड, पूरे गोविंद मित्रा रोड के साथ साथ पूरे बिहार के रिटेल होलसेल जितने भी दुकानें हैं वो पूरे बिहार की दुकानें आज बंद है। सिर्फ इमरजेंसी सप्लाई के लिए, इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई के लिए जिस दुकानें को हम लोग छूट दिए हैं वही दुकानें खुली हुई है। साथ ही साथ हम सरकार से ये आग्रह किए हैं कि अगर हमारी मांगों को 3 दिन के बंदी से के बावजूद भी नहीं मानते हैं तो मार्च के किसी भी समय हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उस समय इमरजेंसी दवाओं का भी मैंने कमी लोगों को महसूस होगी। मतलब एक तो दवाई दुकानें और लोग जिस तरीके से परेशान होते हैं वो तो दिखता है, लेकिन अगर मांग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं पूरी की जाएगी तो अनिश्चितकालीन आप लोग धरने पर चले जाएंगे, मुख्य मांग कौन सी है? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो फार्मासिस्ट की समस्याएं हैं, फार्मासिस्ट की समस्या क्या है कि यहाँ पर दुकान 35,000 है और फार्मासिस्ट समूचे बिहार में मात्र 7,500 है। आप खुद समझें कि जो 2-3 साल फार्मेसी पढ़ के आते हैं वो गांव ग्राम में दवाई दुकान में काम करना पसंद नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि सरकार प्रचुर मात्रा में फार्मासिस्ट का उपलब्धता सुनिश्चित करे, जिससे कि हम अपनी दुकानों में फार्मासिस्ट से काम ले सकें, क्योंकि हमें फार्मासिस्ट रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे दुकानों में पढ़े लिखे लोग ही काम करते हैं, तो उसके जगह पर हम फार्मासिस्ट रखेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट उस मात्रा में उपलब्ध हो। बिल्कुल, तो देखिए फार्मासिस्ट की उपलब्धता पे जिस तरीके से बातचीत की जा रही है कि वो सीधे तौर पर हो और उसके अलावा अगर वो बातें नहीं होती हैं तो शायद स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हैं आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मांग पूरी नहीं की जाएगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे लोग। और समझ सकते हैं आप कि अगर बिहार में दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो स्थितियाँ क्या होंगी। हालांकि जो 3 दिन की ये हड़ताल है इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए कुछ दुकानों को छूट जरूर दी गई है, इमरजेंसी सेवाओं में सिर्फ उन दुकानों पर दवाइयाँ मिल सकती हैं, बाकी पूरे बिहार में दवा दुकानें बंद हैं। सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को स्थितियों से अवगत कराने के लिए 3 दिवसीय हड़ताल या 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन इसको कह सकते हैं वो किया गया। फिलहाल इतने ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।